खालसा पंथ की स्थापना करने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। गुरु जी के जीवन से जुड़े यूं तो बहुत से किस्से मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा है गुरु गोबिंद सिंह जी और देवी भगवती का। कहते हैं कि एक बार आनंदपुर साहब में गुरु जी के पास बनारस का एक ठग केशवदास महापंडित बनकर आया और गुरु जी से बोला कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है जो देवी भगवती को सिद्ध कर सकता है। उसने कहा कि जब भी गुरु जी की सेना कोई लड़ाई लड़ती है तो उसमें बहुत से सिख शहीद हो जाते हैं, तो बेहतर होगा अगर गुरु जी देवी भगवती को सिद्ध कर लें। फिर जब भी युद्ध लड़ना होगा तो देवी स्वयं गुरु जी की तरफ से लड़ेंगी और विरोधी सेना का नाश कर देंगी। गुरु जी जानते थे कि वो शख्स कोई साधु नहीं बल्कि दक्षिणा के लालच में आया हुआ ठग है, परंतु वो लोगों के मन में फैले ऐसे ही अंधविश्वासों को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने की बात मान ली और ठग की हाँ में हाँ मिलाने लगे। गुरु जी के पूछने पर केशवदास ने बताया कि देवी को सिद्ध करने के लिए उन्हें निकट ही पहाड़ी पर मौजूद नैना देवी शक्तिपीठ में पूरे एक वर्ष तक यज्ञ करना होगा और यज्ञ के आखिरी दिन देवी भगवती स्वयं प्रकट होंगी। गुरु जी मान गए। फिर क्या था, एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया और यज्ञ के नाम पर साधु ने बहुत सारा घी, सामग्री, राशन, कपड़े, सोना, चांदी, रत्न और न जाने क्या क्या मंगवा लिया। यज्ञ शुरू हुआ। इसके बाद दूर दूर तक फैलती गई और मंदिर के आसपास लोगों का मेला लगना शुरू हो गया। सभी ने सोचा कि जब स्वयं गुरुजी जैसी पवित्र आत्मा ऐसा बड़ा यज्ञ कर रही है तो देवी अवश्य ही प्रकट होंगी। पहाड़ी के शिखर से लेकर नीचे तक बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जन सैलाब आ गया हो। जब अंतिम दिन आया तो गुरुजी भी सुबह सुबह मंदिर पहुंचे, लेकिन पता चला कि महापंडित केशवदास यानी ठग तो फरार हो चुका है। गुरुजी को इसका अंदेशा पहले से ही था। फिर क्या था, गुरुजी ने अपने सहयोगियों से कहा कि सारा घी और हवन सामग्री एक ही बार में हवन कुंड में अर्पित कर दो। ऐसा करने की देर थी कि यज्ञ कुंड से अग्नि की विशाल और ऊंची लपटें उठने लगी। वो लपटें इतनी विशाल थी कि दूर पहाड़ के नीचे तक खड़े हर व्यक्ति को लगा मानो देवी भगवती प्रकट हो गई हों। मंदिर के द्वार से लोग भागे भागे देवी के दर्शनों के लिए अंदर आ पहुंचे, लेकिन अंदर का दृश्य तो कुछ और ही था। सामने गुरुजी नंगी तलवार लिए खड़े थे। लोगों की आंखों में प्रश्न देखकर गुरुजी ने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रही भगवती, यही है असली शक्ति। गुरुजी की ये बात सुनकर हर कोई हैरान सा रह गया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति ही असली भगवती है, जो हमें बुराई के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और ताकत देती है। ये कृपाण उनका ही प्रतीक है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो देवी भगवती स्वयं हमारी तलवार में शक्ति बनकर उतर आती हैं। कहते हैं तभी से गुरु गोबिंद सिंह जी ने कृपाण को भगवती नाम दे दिया, जो युद्ध के मैदान में अत्याचारियों का नाश करती है। आज भी सिख अरदास में देवी भगवती का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। दुनिया की सबसे रोमांचक और रहस्यमय कहानियाँ चित्रों के द्वारा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चित्रकथा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।